बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस में चिकन मैक्रोनी, और उसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो चिकन, बोनलेस चिकन लेना है, 300 ग्राम मैक्रोनी लेंगे, एक प्याज लेंगे इसे चॉप करना है, कॉर्नफ्लावर लेंगे 2 टेबल स्पून, मैदा लेना है हमें 3 टेबल स्पून, ग्रीन मसाले में अदरक के 3 टुकड़े लेंगे, 2 हरी मिर्च और 8 कलियाँ लहसुन के लेंगे, ग्रीन पेस्ट लेना है अदरक लहसुन हरी मिर्ची का 1 टेबल स्पून, शिमला मिर्च लेंगे आधा, नींबू का रस लेंगे आधा, जीरा पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, 65 मसाला लेंगे 1/2 टीस्पून, तंदूरी मसाला लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, ज़रूरत के हिसाब से बटर लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ लेंगे, फूड कलर लेना है हमें रेड, और 1 ग्लास दूध लेंगे। सब में पहले हम चिकन में मसाले लगा के लेंगे, सब मसाले ऐड करूंगी, तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ इसमें, 65 मसाला डालेंगे, जीरा पाउडर, नमक ऐड करूंगी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम सॉस में ऐड करेंगे, ग्रीन पेस्ट ऐड करूंगी और नींबू का रस भी इसमें डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे चिकन के साथ में। मसाले अच्छे से लग गए चिकन के साथ में, इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, इसे भी मिला दूंगी। इसे मिलाने के बाद हमें इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने रखना है चिकन को। गैस पे मैंने टोप रखी हूँ, मैक्रोनी हमें बॉईल करना है और इसमें पानी मैंने रखी हूँ, पानी गर्म हो चुका है, नमक डालेंगे पहला थोड़ा सा और थोड़ा तेल ऐड करेंगे। अभी इसमें मैक्रोनी ऐड करूंगी, इसे हमें 10 मिनट बॉईल करना है अच्छे से। 10 मिनट हो चुका है, मैक्रोनी हमारी पक्के तैयार है। अभी गैस को बंद कर दूंगी और इसे छानेंगे हम, एक जाली लेंगे, जाली के अंदर छानेंगे। और इसके ऊपर जल्दी से ठंडा पानी ऐड करेंगे। और साथ में तेल ऐड करेंगे थोड़ा सा, कि ये आपस में चिपके ना। बस इस तरह से इसे रख देंगे साइड में। व्हाइट सॉस बना के लेंगे, गैस पे टोप रखी हूँ मैं। अभी इसमें मैं बटर ऐड करूंगी, इसमें से हमें 1 टुकड़ा बटर ऐड करना है और बटर को मेल्ट होने देंगे। इसमें डालूंगी मैं मैदा 2 टेबल स्पून, और इसे मिला देंगे। बारीक आंच में करना है हमें, ये अच्छे से पकाएंगे। मैदा हमारा अच्छे से पक गया है बटर के साथ में। अभी इसमें मैं दूध ऐड करूंगी, 1 ग्लास दूध मिलाना है। और इसे भी पकने देंगे हम, 2-3 मिनट पकाएंगे अच्छे से। दूध के साथ में मैदा हमारा अच्छे से पक गया है। अभी इसमें हम चीज को ऐड करेंगे, 1 टुकड़ा चीज डालना है, ऐड कर रही हूं मैं।
इसे भी मिला देंगे और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा अभी करूंगी, थोड़ा हम मैक्रोनी में डालेंगे। इसे पका के लेंगे और 2 मिनट तक अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। व्हाइट सॉस हमारा गाढ़ा हो चुका है, अच्छे से आपको दिखाती हूँ मैं इस तरीके से। अभी हम इसे रख देंगे, उतार देंगे, साइड में रखेंगे और वही गैस पे एक टोप रखूंगी। चिकन हमें फ्राई करना है, इसमें तेल ऐड करूंगी। तेल को गर्म होने देंगे और चिकन की तरफ आएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को, अभी इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी और मैदा ऐड करेंगे। इसे मिक्स करूंगी मैं, हाथों का इस्तेमाल करूंगी, अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छे से लग गया है, अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, एक एक करके पीस डालते जाऊंगी मैं चिकन का। इसे डीप फ्राई करने हमें, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे से, इसे निकाल देंगे हम। और हमें ये तेज आंच में ही करना है चिकन को फ्राई। इसे निकाल देती हूँ, तेल को छानूंगी। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची हमें चॉप करना है, चॉपर पॉट ली हूँ मैं, इसमें डालूंगी। इसे चॉप करके निकालेंगे हम। चिकन हमारा फ्राई करके तैयार है और चॉप मसाला भी तैयार है और व्हाइट सॉस भी हमारा तैयार है। अभी हम मैक्रोनी बनाना शुरू करेंगे। पैन रखी हूँ गैस पे, इसमें मैंने 1 चम्मच तेल ऐड की हूँ। तेल गर्म हो चुका है, चॉप मसाला ऐड करूंगी पहला। इसे भून के लेंगे हम। अभी इसमें मैं प्याज को ऐड करूंगी। प्याज को भी हमें 1 मिनट तक भूनना है। गैस को फास्ट करेंगे। अभी इसमें ऐड करूंगी शिमला मिर्च, इसे भी प्याज के साथ में भूनेंगे। इसमें ऐड करूंगी नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा ही डालना है हमें, हमें चिकन में भी नमक ऐड किया है। मिला देंगे। इसमें मैक्रोनी ऐड करूंगी अभी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसमें हम व्हाइट सॉस ऐड करेंगे। गैस को बारीक रखना है अभी और सॉस ऐड करूंगी। इसे मिक्स करके लेंगे। सॉस हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसमें ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड करूंगी। इसे मिला दूंगी और इसमें हमने जो फ्राई करके चिकन रखे वो ऐड करेंगे। इसे भी मिला देंगे हम। मैक्रोनी हमारे बनके तैयार है, इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। व्हाइट सॉस चिकन मैक्रोनी हमारी बनके तैयार है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए।
और आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।